हाय एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में एक बहुत छोटा सा प्रूफ देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि हम दो मैट्रिक्स स्पेस लेंगे। ठीक है, एक्स टी एंड वाई डी बी टू मैट्रिक्स स्पेसेस, और इस एक्स और वाई के बीच में कंटिन्यूस मैपिंग है। ठीक है, सो लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस x के अंदर अगर आप कोई कॉम्पैक्ट सेट लेते हो तो उसका जो इमेज होगा यानी कि f ऑफ a होगा, वो भी कैसा होगा? कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये कैसे देखिए। ओके, तो हमें बेसिकली करना क्या है कि f ऑफ a को कॉम्पैक्ट दिखाना है, और दिया ये गया है कि a इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा कि f ऑफ a का, ऑब्वियसली f ऑफ a इज़ फ्रॉम y, तो f ऑफ a का हम एक काम करते हैं, एक कोई भी ओपन कवर लेते हैं। ठीक है, सो लेट g लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा b ओपन कवर फॉर f ऑफ a। ठीक है, ऑब्वियसली f ऑफ a इज सबसेट ऑफ y, तो क्योंकि ये इसका ओपन कवर है तो ये जो ईच जी लैम्डा है ये क्या है? दीज आर ओपन सेट इन y। ठीक है, और हमें ये दिया गया है कि ये जो फंक्शन है ये x और y के बीच में ये कंटिन्यूस है, और आपको पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन में क्या होता है कि अगर आप y के अंदर कोई ओपन सेट लेते हो तो उसका इन्वर्स इमेज भी क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, सो अगर ये f ऑफ a का ओपन कवर है, दिस इम्प्लाइज कि जो f ऑफ a है ये क्या है? इस g लैम्डा इन सब यूनियन का क्या है? सबसेट है। सो लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, इस तरह से। ओके, नाउ अब आपको पता है कि g लैम्डा इज ओपन सेट इन y। ठीक है, सो नाउ f of a is subset of union of these g lambda. This implies कि a is subset of what? A is subset of union of f inverse g lambda. Lambda belongs to capital lambda. ठीक है, दोनों तरफ इनवर्स ले लिया हमने। Now अब आपको पता है कि g lambda is open in y and f is continuous. ठीक है, so since f is continuous, this implies कि each f inverse g lambda is open in x। ठीक है, तो ये जो a हो गया ये ओपन सेट्स का, इन ओपन सेट्स के यूनियन में ये a क्या हो गया है? कवर हो गया है। ठीक है, तो इन सब का जो हम कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन ऑफ f इनवर्स ऑफ g लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये क्या हो गया? ये ओपन कवर हो गया, किसका? a का, ओपन कवर ऑफ a। ठीक है, तो अगर ये a का ओपन कवर है और दिया ये गया है कि a क्या है? कॉम्पैक्ट है, तो मतलब इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होगा। दिस इम्प्लाइज कि देयर एग्जिस्ट g लैम्डा 1, g लैम्डा 2, ऐसे कुछ फाइनाइट ओपन सेट होंगे, इसी के सब कलेक्शन होंगे सच दैट कि a जो है इनके यूनियन में जाएगा। i गोज फ्रॉम 1 टू n g लैम्डा n। ठीक है, ये हम कई बार कर चुके हैं। सो ये सबसेट ऑफ, एक मिनट, तो यहाँ पे एक्चुअली f इनवर्स आना चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज नॉट g लैम्डा, दिस इज f इनवर्स ऑफ g लैम्डा। ये हमारा क्या है? ओपन कवर है a का। सो दिस इज f इनवर्स ऑफ g लैम्डा 1, f इनवर्स ऑफ g लैम्डा 2, f इनवर्स ऑफ g लैम्डा n। ठीक है, ओके, तो अगर मैं दोनों तरफ f ऑपरेट करूँ, इसका क्या मतलब हुआ कि f ऑफ a इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 टू n, f इनवर्स क्या हो जाएगा? g लैम्डा n आ जाएगा। ठीक है ना, सो ये पॉसिबल है, इसीलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो है a लेते हो और इसका एफ ऑफ ए लेते हो, अगर आप इसी सेट का इन्वर्स लोगे तो आपको वापस से ए मिलेगा, ठीक है ना। सो एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा एन आई गोज फ्रॉम 1 to n। और ये क्या है, ये फाइनाइट है, फाइनाइट यूनियन है। किन का यूनियन है? जी लैम्डा एन का। और जी लैम्डा एन कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ये जो है हमारे ओपन कवर से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ से। तो इसका जो है सब कलेक्शन आ गया जो कि एफ ऑफ ए को कंटेन कर रहा है, यानी कि इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर आ गया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनाइट सब कवर ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। सो हमने कोई भी एक ओपन कवर लिया था एफ ऑफ ए का और वो कैसा आ गया, फाइनाइट सब कवर आ गया उसका। दिस इम्प्लाइज कि एफ ऑफ ए इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो अगर आप कोई कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हो और उसके डोमेन में से एक्स में से कॉम्पैक्ट सेट लेते हो तो उसका इमेज भी क्या आ जाएगा, कॉम्पैक्ट आ जाएगा। और ये सिर्फ किस चीज़ की वजह से है, इस कंटिन्यूटी की वजह से है, क्योंकि कंटिन्यूटी आपको इस चीज़ की गारंटी दे रही है कि आप जो ओपन कवर ले रहे हो उसका जो इनवर्स इमेज होगा वो उस सेट का ओपन कवर बनाएगा, ठीक है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।